तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर लर्निंग एब्सोल्युटली फाइन। एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने सोमवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वैशाली अपने ही घर पर फंदे से लटकती मिली थी। वहीं मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। शुरुआती जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि वैशाली ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी की है। बताया जा रहा है कि वैशाली को उनका बॉयफ्रेंड मेंटल और फिजिकल टॉर्चर कर रहा था। इसी बात से परेशान होकर एक्ट्रेस ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। लेकिन अब ये सवाल उठने लगे हैं कि कौन है वैशाली ठक्कर का बॉयफ्रेंड, कौन है वो आदमी जिसका कि वैशाली ठक्कर ने अपने सुसाइड नोट में जिक्र किया है। रिपोर्ट्स की मिली जानकारी के अनुसार वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में राहुल नाम के आदमी का जिक्र किया है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया है कि राहुल उन्हें परेशान किया करता था। वहीं जांच के दौरान पुलिस को वैशाली की एक डायरी भी हाथ लगी थी, जिसमें उन्होंने राहुल के साथ दिशा नाम की एक लड़की का भी जिक्र किया है। वहीं पुलिस की मां ने तो डायरी में लिखा है कि आई क्विट माँ, लव यू माँ पापा, मुझे माफ करना, मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, प्लीज राहुल और उसकी फैमिली को सजा दिलवाना, मुझे 2.5 साल से टॉर्चर किया मेंटली राहुल और दिशा ने, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मेरी कसम, खुश रहना, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बितेश से कहना मुझे माफ करे, आई क्विट। वैशाली ने अपने मौत के लिए जिस आदमी को जिम्मेदार ठहराया है वो आदमी है राहुल नवलानी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल वैशाली का पड़ोसी है और प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन है। आपको बता दें कि वैशाली ठक्कर का घर इंदौर के साईबाग कॉलोनी में है। बताया जा रहा है कि वैशाली की जल्दी शादी होने वाली थी। इस दौरान राहुल एक्ट्रेस को परेशान कर रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वैशाली के दोस्त के मुताबिक वो दिसंबर में शादी करने वाली थी। शादी से 2 महीने पहले वैशाली का सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाना शॉकिंग है। ईवी वर्ल्ड में वैशाली के इस फैसले ने सनसनी मचा दी है। तो गाइस, आखिरी में कमेंट करना ना भूले। आरआईपी वैशाली ठक्कर।